ऐसा माना जाता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। अयोध्या में दीपोत्सव में 1,11,000 गाय के गोबर से बने दीयों को प्रज्वलित किया जाएगा। सीएम योगी ने पीएम और केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से ये बहुत ही उपयोगी है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मंगल कामना की और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्री श्री रूपाला जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए गौमय से बने हुए ये दीप आज यहाँ पर भेजे हैं और यहाँ पर रिसीव करते हुए और ने यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हुए मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सभी को भी दीपावली की हृदय से मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। ये अपनी सोच है और अपनी कार्य पद्धति भी, पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हम लोग अच्छे ढंग से अपने पर्व और त्योहारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पर्व और त्योहार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनके संरक्षण के आधार बनने चाहिए। इसमें तो गौ रक्षा भी हो रही है और गौमय से बनने वाले जो दीप हैं इनके माध्यम से हम एक बड़ी आबादी की आस्था की भी का सम्मान कर रहे हैं और गौ संरक्षण के लिए हर एक व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहे हैं। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।